हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अली, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से आपके सामने कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस मोनेरा के और एल्गी के लेकर के आपके सामने आया हूं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। यहाँ हमने कल छोड़ा था कि जीवाणु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, गुड मॉर्निंग दीपांशु, राजपुरोहित गुड मॉर्निंग, राधेश्याम, एमजी टाक, सोनम गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो लास्ट यहां छोड़ा था अपन ने कि जीवाणु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा ठीक है। जीवाणु संरचना में व्यवहार दोनों में सरल होते हैं। जीवाणु जो है संरचना और व्यवहार दोनों में क्या होते हैं, सरल होते हैं। यह गलत स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया आर सिंपल इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल राजपुरोहित, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, वन सेल बट ऑल वर्क गुड। ठीक है, जीवाणु संरचना व्यवहार दोनों में जटिल होते हैं, यह भी गलत था। जीवाणु संरचना में जटिल वे व्यवहार में सरल होते हैं, गलत। जीवाणु संरचना में सरल होते हैं और व्यवहार में जटिल होते हैं, फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन अपना यही था, फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा अंकित, है ना। कल लास्ट क्वेश्चन अपना यही था, इससे आगे अपन बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, कौन सा सजीव सर्वाधिक उपापचय विविधता को दर्शाता है। Which organism show the most extensive metabolic diversity? शैवाल, कवक, जीवाणु, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और ब्रायोफाइट्स। हाँ अर्जुन, राजपुरोहित बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो which organism show the most extensive metabolic diversity, क्या होगा, कौन शो करेगा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और ब्रायोफाइट। तो यहां पर बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करेगा, बैक्टीरिया। हियर द आंसर विल बी बैक्टीरिया या जीवाणु, जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करेगा, बैक्टीरिया। हमने देखा है बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन में भी, एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक में भी हमने देखा कि ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब। फिर इसी तरह से अपन ने एनारोबिक में देखा था ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, देखा ना। इसके अलावा न्यूट्रिशन में भी अपन ने देखा है ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, मैक्सिमम हेटरोट्रॉप है, हेटरोट्रॉप में भी सेप्रोफाइट, पैरासाइट, पैरासाइट में भी एक्टो, एंडो, कई तरह का अपन ने इसमें डाइवर्सिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है यहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को एक्सिबिट करता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग रोहित, नमेश, दीपांशु गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। एल्गी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो नहीं करती है। एल्गी में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना बेटा, वो पिगमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फंजाई में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी नहीं है, फंजाई या कवक के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो हैबिटेट में है और डिफरेंट फॉर्म में, स्ट्रक्चर और हैबिटेट, इसके अंदर डाइवर्सिटी जो है फंजाई में देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकांश जीवाणु होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, पैरासाइट, बताइए जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग शिवनंदन, गुड मॉर्निंग यूपी 78, गुड मॉर्निंग रोहित, जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग कंवर, जल्दी बताइए फटाफट। अधिकांश जीवाणु होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, कैसे होते हैं अधिकांश जीवाणु? फोटो ऑटोट्रॉप, प्रकाश स्वयंपोषी, कीमो ऑटोट्रॉप, रसायन स्वयंपोषी,
हेटरोट्रोप और पैरासाइट। तो याद रखिएगा आपको, ये मैंने आपको फोटो ऑटोट्रोप समझा दिया था, यानी ऑटोट्रोप का मतलब क्या है, ऑटोट्रोप का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ऑटोट्रोप। और इस इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में अगर वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं, सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं, तो वो प्रकाश स्वयंपोषी या फोटो ऑटोट्रोप। और इस कन्वर्जन में अगर वो केमिकल से निकली हुई एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो कीमो ऑटोट्रोप या रसायन स्वयंपोषी होते हैं। हेटरोट्रोप यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर डेड मटेरियल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो उसको हम कहते हैं हेटरोट्रोप विषमपोषी। और परजीवी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकांश जीवाणु जो है, बिल्कुल सही बच्चों राजपुरोहित, आपने सही बताया है कंवर, बिल्कुल सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, हेटरोट्रोप। अधिकांश जीवाणु जो है बेटा, याद रखिएगा, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें, पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो किस तरह का होगा पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी में लिख देते हैं, तो अभी कहेंगे कि इंग्लिश सर हिंदी लिखो, तो पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकांश कैसे हैं, विषमपोषी है, याद रखना विषमपोषी है अधिकांश, अधिकांश कैसे हैं, विषमपोषी है। और विषमपोषी में भी अगर कहा जाए कि अधिकांश कहते कैसे हैं, तो मृतोपजीवी है, याद रखिएगा। विषमपोषी में दो तरह के होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। तो पोषण में विषमपोषी अधिकांश होते हैं और विषमपोषी में भी मृतोपजीवी अधिकांश होते हैं, ये याद रखना आपको बेटा, ठीक है, जो एक सॉइल बैक्टीरिया होते हैं और अधिकांश कहां मिलते हैं, सॉइल के अंदर मिलते हैं। बिल्कुल पिंकी बंटी, सही ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन। चलें आगे, आगे चलें, चलिए फिर है, निम्नांकित में से कौन से स्वयंपोषी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप, स्वयंपोषी कौन से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, आपको फ्री कोर्स मिला, अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, निम्नांकित में से कौन से स्वयंपोषी होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स, कौन से हैं स्वयंपोषी, कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कीमो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, आर की जीवाणु, फर्स्ट और सेकंड बोथ, कौन सा ऑप्शन होगा। डेड सेल से फूड, क्या मतलब, अच्छा सेप्रोफाइट की बात कर रहे हो ना, डेड सेल नहीं बेटा, डेड मटेरियल कुछ भी हो सकता है ना, मिल जाएगा आपको, अनाउंस हो गया तो मिल जाएगा बेटा, है ना, बहुत बढ़िया बेटा, पिंकी राजपुरोहित, स्नेहा कंवर बंटी, भैरू राजावत, इन सब ने बताया है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। अभी अभी समझाया था मैंने आपको कि दोनों ही प्रकाश संश्लेषी हो चाहे रसायन संश्लेषी हो, दोनों ही स्वयंपोषी हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्किबैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताना है, आर्किबैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह कुछ कठिन आवासों में रहते हैं, यह नवीनतम विकसित समूह है, कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन रहित होती है, ये दूसरे जीवाणुओं की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आर्किबैक्टीरिया, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, दे आर रिसेंटली इवॉल्व ग्रुप, सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन लेस, दे आर अनलाइक मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, क्या होगा। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, क्या होगा बेटा, क्या होगा, लाइक और शेयर करना है बच्चों, बिल्कुल करना है, थैंक यू राजपुरोहित। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए बच्चों, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। राजपुरोहित ने कहा बी, बंटी ने कहा सी, अंकित ने कहा सी, कंवर ने कहा फर्स्ट, ठीक है, डी, भैरू कह रहे हैं डी। बेटा यहां अपने को तुक्का नहीं लगाना है, याद रखो, ऑप्शन क्या होगा, बी।
देखिए यह कठिन आवासों में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, जहां कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते वहां पर ये रहते हैं। इसका मतलब ये अत्यधिक कठिन आवासों में रहते हैं। ये नवीनतम विकसित समूह नहीं है, सबसे पुराने हैं बेटा, ये सबसे पुराने हैं, इसीलिए इनको जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म सबसे पुराने हैं, ये याद रखिएगा, सबसे पुराने हैं, नवीनतम नहीं है, सबसे पुराने हैं ये। इनमें कोशिका, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है, ठीक है। निप्पू बिल्कुल सही है बेटा, पिंकी सही है, ठीक है। कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है इनमें, याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन होती है और साथ में नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हालांकि आर्किबैक्टीरिया में जो मिथेनोजेंस हैं उसकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की तरह मिलता जुलता पदार्थ होता है, जिसे हम सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। मिल सकता है, मिलता जुलता, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन एज सच नहीं होता है। कोई बात नहीं बेटा, है ना, ये दूसरे जीवाणु की तरह नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। आर्किबैक्टीरिया दूसरे जीवाणु हार्श एनवायरमेंट में नहीं रह सकते, प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि ये कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो दे आर रिसेंटली इवॉल्व ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, यहां गलती हो रही है, मेन जो एग्जाम का मैदान है, जो एग्जामिनेशन हॉल है बच्चों, वहां अपने से गलती नहीं होनी चाहिए। यहां की गलती चलेगी, लेकिन वहां की गलती माफी के लायक नहीं होगी, इसलिए यहां गलती कर रहे हो सुधार कर लो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो। जीवों का वह समूह जो मुक्त ऊर्जा, ये मुक्त लिख दिया, मुक्त ऊर्जा है ये, जीवों का वह समूह जो मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया का ऑक्सीकरण एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। रसायन विषमपोषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, प्रकाश स्वपोषी जीवाणु, मृतोपजीवी जीवाणु। क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया यूजिंग द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन आर कीमोहेटरोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। अंकित कह रहे हैं बी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अंकित, लोचन, निप्पू गलत है बेटा, है ना। अंकित कह रहे हैं बी है। पिंकी फर्स्ट कैसे होगा, देखो एक बार अच्छी तरह से। कमर कह रहे हैं सेकंड है। बंटी कह रहे हैं सेकंड है, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, कीमोहेटरोट्रॉप लिखा हुआ है। अरे भाई विषमपोषी लिखा हुआ, विषमपोषी का मतलब मैंने क्या कहा, अभी भी आप नहीं समझे, मैंने क्या कहा, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप का मतलब वो ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ये इनऑर्गेनिक के नाम दे दिया यहां पर, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करते हैं, अकार्बनिक से कार्बनिक बनाते हैं, और अगर केमिकल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, लिखा है ना साफ साफ, ठीक है। अमोनिया का ऑक्सीकरण एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, यानी कि इस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकली उससे एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो कौन से हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है। रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव है, सेकंड ऑप्शन। राजपुरोहित सेकंड होगा, बंटी सेकंड बेटा, है ना, वेरी गुड। चलिए चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवाणु भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं, कई औद्योगिक और व्यावसायिक क्रियाओं में, लेग्यूम जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, बिल्कुल बंटी सही कह रहे हो आप, है ना, आप इसको, इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल अपने उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कई औद्योगिक व व्यावसायिक क्रियाओं में, लेग्यूम जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, पादपों जंतुओं व मानव में रोग उत्पन्न करने में, और ये सभी क्या होगा, बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन मेनी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट, डिजीज प्रोड्यूसिंग इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ दीज क्या होगा। अरे यार इसको तो गलत मत करो। चलिए तो पिंकी कह रहे हैं फोर्थ, राजपुरोहित कह रहे हैं फोर्थ, अंकित, वरुण, पिंकी,
ठीक है, यूपी 78, सब कह रहे हैं कि ऑप्शन होगा फोर्थ, और ऑप्शन है फोर्थ। आपने तुक्का तो नहीं लगाया ना, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दीज है तो नहीं। निप्पू कह रहे हैं फोर्थ, वेरी गुड बेटा। क्योंकि देखिए जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो कई औद्योगिक और व्यावसायिक क्रियाओं में, इंडस्ट्री में काम में लिया जा रहा है, कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में काम में लिया जा रहा है, चीज बनाने में काम में लिया जा रहा है, पनीर बनाने में काम में लिए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बिल्कुल, लेग्यूम के अंदर जो रूट्स होती है, उस रूट रूट जिसको अपन जिसके अंदर छोटे छोटे से घाटे होती है, जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं, तो उन रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया मिलते हैं। और डिजीज प्रोड्यूसिंग इन प्लांट्स एनिमल्स, पहले बैक्टीरिया को इसी काम के लिए जाना जाता था कि भाई बैक्टीरिया है मतलब खराब है, बाद में अच्छा ही पता लगे कि भाई ये अच्छा काम भी करते हैं। ठीक है, तो खराब होने का मतलब क्या है, ये प्लांट एनिमल और हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, इसीलिए हाँ। तो वही तो, अलग अलग हैं बैक्टीरिया, अलग अलग हैं, अच्छे काम के लिए अलग हैं, बुरे काम के लिए अलग हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग अलग है। लेकिन पहले ऐसा ही समझा जाता था कि भाई जो बैक्टीरिया है मतलब गलत ही काम करेंगे, डिजीज ही कॉज करेंगे। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई, बाद में जब धीरे धीरे पता लगा, तो इनके अच्छे कामों की भी इंफॉर्मेशन मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिट्रस कैंकर। हेलो अर्जुन, सिट्रस कैंकर किसके द्वारा जनित रोग है? बताओ फटाफट बताओ, सिट्रस कैंकर इज डिजीज, कौन सी सिट्रस कैंकर किसके द्वारा जनित रोग है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और माइकोप्लाज्मा, किसके थ्रू है जल्दी बताओ? सिट्रस कैंकर इज कौन सी डिजीज? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बैक्टीरियल जो सिट्रस कैंकर है वो है बैक्टीरियल डिजीज, जेंथोमोनास सिट्राई, या जेंथोमोनास सिट्री भी कह सकते हैं अपन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा जेंथोमोनास, अरे सिट्रस कैंकर जो है जेंथोमोनास सिट्री से होता है, फर्स्ट ऑप्शन। पिंकी सही हो बेटा, है ना, जेंथोमोनास, जे जे से शुरू नहीं होता है वो, जेंथोमोनास। ठीक है, चलिए रोहित बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषी प्रोक्यूरियोट है, प्रकाश संश्लेषी प्रोक्यूरियोट फोटोसिंथेटिक प्रोक्यूरियोट्स इज फोटोसिंथेटिक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सिट्रस कैंकर उसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना अर्जुन। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोक्यूरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोक्यूरियोट्स इज राइजोबियम, नोस्टॉक, सुडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस। तो इनमें देखिए राइजोबियम, सुडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस ये फोटोट्रॉप नहीं है। कौन से हैं फोटोट्रॉप? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फोटोट्रॉप है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सेवाल। ठीक है, ये फोटोट्रॉप है, और इस नील हरित सेवाल में अपन ने चार एग्जाम्पल मैंने बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, ये चार नाम तो कम से कम आपको याद रखने ही चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा विशाल। ठीक है, ये चार नाम आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे, नाम बताऊं वापस निप्पू, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस, ये चार नाम आपको याद रखने हैं बीजीए के अंदर, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। चलिए, कौन सी भित्ती रहित प्रोक्यूरियोट है बताइए, विच इज वॉललेस प्रोक्यूरियोट, भित्ती रहित या वॉललेस प्रोक्यूरियोट कौन सा है, कौन सा है बेटा वॉललेस प्रोक्यूरियोट? अर्जुन कह रहे हैं पहला, कंवर कह रहे हैं पहला, माइकोप्लाज्मा, सचिन गुड मॉर्निंग, विशाल कह रहे हैं सेकंड, कंवर कह रहे हैं फर्स्ट। बिल्कुल बेटा, जो वॉललेस प्रोक्यूरियोट्स है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। अंकित बिल्कुल बढ़िया बेटा, पिंकी सही है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी सेल भी है और वॉललेस, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। ठीक है, कल की वीडियो क्लास में अपन ने इसकी
स्ट्रक्चर भी देखी थी कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों तरह के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वॉल नहीं है, पेनिसिलिन के प्रति ये सेंसिटिव नहीं है, है ना। चलिए तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि यू बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने हेतु विशेष कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं वे कहलाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईसीआर के अंदर 2020 में, तो अपन नीट और आईसीआर दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। बीच में एक दो क्वेश्चन बीएचयू के भी हैं, तो अपन सभी क्वेश्चंस को यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए विशेष कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं वे कहलाती है। डी ऑप्शन तो कैप्सूल की पार्ट मोटी है तो उसे कहते हैं स्लाइम मोल्ड। नहीं, देखो ये डी ऑप्शन, इसी की बात कर रहे हो आप। स्लाइम मोल्ड जो है ना बेटा, ये प्रोटिस्टियन है, ये प्रोटिस्टा में आता है बेटा, प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड जो आता है प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। चलिए, यू बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने हेतु विशेष कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं वे कहलाती है। बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, क्लोरोफिल, स्पोरोजोवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हेट्रोसिस्ट, क्लोरोफिल, स्पोरोजोवन, नन ऑफ द अबव। बताइए, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग शीतला। बताइए कौन सी है, ये आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा 2020 के अंदर, ठीक है। हेट्रोसिस्ट मैंने बता दिया है, लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि हेट्रोसिस्ट जो है वो क्या है, स्पेशल सेल है जो मोटी हो जाती है थोड़ी, और उसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। ये किसमें मिलेगी आपको, ये मिलेगी साइनोबैक्टीरिया में, हेट्रोसिस्ट मिलती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट होगी। चले बेटा, चलिए ये आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपन। वायरॉइड्स कैसे होते हैं, वायरॉइड्स हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन आवरण से आच्छादित, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कॉर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन आवरण से आच्छादित, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कॉर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन आवरण से अनाच्छादित, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कॉर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन आवरण से आच्छादित, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कॉर्ड। बताइए, सचिन कंवर सही था बेटा, बीजीए में था वो लास्ट क्वेश्चन। बताइए इसको, आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा। मेसी सिंह कह रहे हैं शेकिन। देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट है ये क्वेश्चन इस तरह का पहले नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा अपन टीओ डाइनर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है बताइए, है ना। टीओ डाइनर जो है एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के अंदर, इन्होंने क्या देखा कि टीओ डाइनर ने जब पोटेटो पर काम कर रहे थे तो पोटेटो स्पिंडल डिजीज इन्होंने देखी, जो वायरस से नहीं हो रही थी, वायरस से छोटे पार्टिकल से हो रही थी, तो टीओ डाइनर इससे रिलेटेड है। पोटेटो स्पिंडल डिजीज, पोटेटो स्पिंडल डिजीज इनसे हो रही है, जिसकी वजह से पोटेटो के अंदर ये देखिए, ये पोटेटो स्पिंडल डिजीज जो है, यहां पर पोटेटो खराब होने लग गए ये पूरे। तो पोटेटो स्पिंडल डिजीज जो है वो वायरॉइड से होती है। ये वायरॉइड्स है क्या, ये केवल आरएनए है, याद रखिएगा, वायरॉइड्स आर ओनली आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन, इनमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, प्रोटीन आवरण से अनाच्छादित, तीसरा ऑप्शन होगा अर्जुन, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्रोटीन आवरण से अनाच्छादित, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाई प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट से इनक्लोज्ड नहीं है। गुड मॉर्निंग प्रभाकर,
लाइट कम करें, लाइट ज्यादा आ रही है। सर एक बार देखना लाइट को, फोटो तो आगे आएगी, थोड़ा सारों में करीब करीब फोटो है ना। हाँ बच्चों ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। अब आया समझ में? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपन। अब अपन सवाल पर आ गए बेटा। मोनेरा अपना जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, फिर और मौका मिलेगा तो बाद में अपन और आएंगे। तो सवाल पर आते हैं, सवाल की बात करते हैं। सवाल है एलगी आर, एलगी क्या है, सवाल क्या है? पर्ण हरित धारण करने वाले स्वपोषी, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉप, सरल और थैलॉइड, सिंपल एंड थैलॉइड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और हेटरोट्रॉप। सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है, क्या होंगे ये बताइए। एल्गी क्या है, एल्गी आर, सेवाल आर, कैसे होते हैं, कैसे हैं ये बताइए। मेसी, रोहित, सचिन, कंवर ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड है, विकल्प फर्स्ट व सेकंड दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही है बेटा। जो सेवाल होते हैं वो पर्ण हरित धारण करने वाले स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप है, ऐसे ऑटोट्रॉप है जिनके अंदर क्लोरोफिल मिल रही है। सचिन, अर्जुन, रोहित, बिल्कुल सही है बेटा, अंकित है ना। तो इनमें और दूसरा ये सरल और थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब क्या है, थैलॉइड का मतलब यहां पर क्या है, थैलॉइड का मतलब ये है कि प्लांट बॉडी जो है ना रूट ना स्टेम ना लीफ, हाँ बच्चों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से थोड़ा इंटरफेयर हो गया। चलिए तो हम कह रहे थे कि सवाल है, सवाल क्या है, पर्ण हरित धारण करने वाले जीव, सरल और थैलॉइड, विकल्प फर्स्ट व सेकंड। तो इनमें दोनों ही है, ये सरल है और थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के अंदर नहीं मिलती है ठीक है। ये देखिए ये एल्गी या सवाल की स्ट्रक्चर, ये एक पिक्चर लेकर के आए हैं, बड़ी कॉमन पिक्चर है ये, कहीं पर भी आप तालाब वगैरह में देखोगे तो वहां पर जो पत्थर वगैरह हैं उसके ऊपर इस तरह की फिसलन इन्हीं की वजह से होती है, तो वहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेवाल में कायिक जनन होता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एल्गी के अंदर वो कहां से होगा। सेवाल में कायिक जनन होता है किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। इन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस बाई, मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है, मुकुलन द्वारा, एकाइनेट्स द्वारा, विखंडन द्वारा, हेट्रोसिस द्वारा, बडिंग, एकाइनेट्स, फ्रेगमेंटेशन एंड हेट्रोसिस। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि किसके द्वारा हो रहा है यहां पर मेनली, तो मुकुलन द्वारा जो है वो किसमें मिलता है आपको, एल्गी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ये मिलता है यीस्ट फंजाई के अंदर ठीक है। और एकाइनेट्स क्या होती है, एकाइनेट्स होती है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह के अंदर। एल्गी वगैरह के अंदर क्या होता है, एक सेल जो है वेजिटेटिव सेल जो है जो कायिक कोशिका है वह फूल करके बड़ी हो जाती है और मोटी भित्ति युक्त हो जाती है। एकाइनेट्स क्या है, मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त बड़ी कायिक कोशिका, बड़ी कायिक कोशिका, बड़ी कायिक कोशिका, इसको हम एकाइनेट्स कहते हैं। ये महत्वपूर्ण होती है किसके लिए, क्योंकि ये तापमान और सूखे को सहन कर सकती है, तो सहन शक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण होती है, ताप व सूखे को सहन कर सकती है, ताप व सूखे को सहन कर सकती है ठीक है। टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर सकती है, ड्राई कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकती है। विखंडन द्वारा, यस, सबसे कॉमन जो मैकेनिज्म है, जो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स हैं, जो तंतुमय जीव हैं,
उन तंतुमय जीवों के लिए सबसे सामान्य जनन की जो विधि है वो विखंडन है। देखिए यहां पर इसमें क्या हो रहा है, विखंडन के अंदर एक जीव है, इस जीव के टुकड़े हुए और हर टुकड़ा एक नया जीव बना लिया, यही तो विखंडन है। सबसे सामान्य मैकेनिज्म हेट्रोसिस्ट जो है वो कायिक जनन के लिए काम में नहीं आती है बल्कि एंड टू फिक्सेशन के काम में आती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आती है। ठीक है, मुकुलन जो है यीस्ट में फंजाई में होता है, यीस्ट कवक में होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो फ्रेगमेंटेशन है या विखंडन है वो सबसे सामान्य विधि बनकर के आई है बेटा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन नहीं बेटा, फ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, यू मे नॉट बी कंफ्यूज। फ्यूजन का मतलब क्या होगा, एक से दो सेल बन जाती है वो फ्यूजन है ना। फ्रेगमेंटेशन यानी टूट करके पूरा पार्ट जो है ये टूटा, ये एक पूरा पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया, दोनों अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म आपके सामने है। चले एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बेटा, ये देखिए जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये है हेट्रोसिस्ट जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और ये है एकाइनिट, ये एकाइनिट वाली सेल है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये जो है बड़ी थिक वॉल हो गई, और ये सेल जो है ये टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ये सेल ड्राई कंडीशन को सहन कर सकती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है दूसरे सारे सेल खत्म हो सकती है, लेकिन एकाइनेट्स जो है वो वैसी की वैसी रहती है, काफ़ी समय तक वैसी रहती है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है जर्मिनेट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये एकाइनेट्स के बारे में बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे बेटा अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में मजा आ रहा है। भागचंद मेशी कंवर प्रभाकर यादव अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, पिंकी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए फिर है असम युग्मकी का अर्थ, दोनों युग्मक होते हैं। असम युग्मकी का मतलब क्या है, एनाइसोगेमस मींस बोथ गैमेट्स आर, नहीं बेटा पियो आप ही पियो साथ रावड़ी। चलिए असम युग्मकी का अर्थ दोनों युग्मक होते हैं, कैसे होते हैं, एनाइसोगेमस मींस बोथ गैमेट्स आर, दोनों युग्मक कैसे होते हैं। देखिए आइसोगेमी यानी समयुग्मकी, समयुग्मकी में दोनों युग्मक जो है एक समान होते हैं आकार में, जैसे ये देखिए ये समयुग्मकी है। ठीक है, ये भी समयुग्मकी हो सकते हैं, जैसे ये है ये भी समयुग्मकी हो सकते हैं, यानी समयुग्मकी जो है कसाबिका वाले, ये कसाबिका फ्लेजिला, फ्लेजिला वाले भी हो सकते हैं, बिना फ्लेजिला वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे तो इसको हम कहते हैं समयुग्मकी। ये क्या है, दोनों एक जैसे हैं, यानी हम देख करके बता ही नहीं सकते कि नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा है। अगर कसाबिका है, फ्लेजिला है तो दोनों पर है, फ्लेजिला नहीं है तो दोनों पर नहीं है, मतलब अपन नहीं पहचान सकते, उनको हम कहते हैं समयुग्मकी। ठीक है, और अगर ऐसा है जैसे असमान है, जैसे ये है एक फ्लेजिला, ये हो गया एक, ये छोटा हो गया, दोनों अलग अलग हैं, एक बड़ा और एक छोटा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस तरह से कसाबिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तब भी हम पहचान पाएंगे, तब भी अपन पहचान सकते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको कहते हैं अनाइसोगेमी, क्या कहते हैं, इस केस में हम कहते हैं अनाइसोगेमी। ठीक है बेटा, और उगेमी का मतलब क्या है, अनाइसोगेमी हमने कहा है यहां पर। ठीक है, उगेमी का मतलब क्या है, जनरली जनरली उगेमी के अंदर, उगेमस के अंदर क्या होगा, एक बड़ा सा फीमेल होगा, फीमेल गेमिट होगा बड़ा सा, मोटाइल नहीं होगा, अचल होगा, और एक छोटा सा मेल गेमिट होगा जो चल होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं उगेमी, उगेमी। तो ये है आइसोगेमी समयुग्मकी, समयुग्मकी, ये है अनाइसोगेमी असमयुग्मकी, और ये है उगेमी विषमयुग्मकी। ठीक है,
तो आइसो अनाइसो और उगेमी जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा असम युग्मकी का अर्थ क्या है? आकार में समान व अचल, सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, डिसिमिलर इन साइज आकार में भिन्न, सिमिलर इन साइज एंड मोटाइल आकार में समान व चलायमान, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आकारिकी में भिन्न। बताइए आईसीआर के बेटा, आईसीआर के आएंगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी, कब कौन सा फॉर्म अपलोड हो रहा है, कब आ रहा है, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट विल बी अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब चैनल। ओके, तो क्या होगा असम युग्मकी अनाइसोगेमी? अनाइसोगेमी मतलब डिसिमिलर इन साइज, साइज में डिसिमिलर है, उसी को तो हम असम युग्मकी कह रहे हैं बेटा। आकार में समान व चल को हम असम युग्मकी नहीं कह रहे हैं अंकित, ए ए नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि असम युग्मकी की सम युग्मकी होता तब तो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन असम युग्मकी की बात कर रहे हैं, आकार में भिन्न होगा। देखो असम युग्मकी, यहां देखिए एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है ना, एक फ्लेजिलेटेड है नॉन फ्लेजिलेटेड। अगर ऐसा है तो दोनों नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे और दोनों फ्लेजिलेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन आकार में अलग होंगे। ठीक है, प्रणाम बेटा अर्जुन। पिंकी सही है बेटा, सेकंड ऑप्शन। रोहित सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगार अगार किससे प्राप्त होती है? अगार अगार इज ऑब्टेंड फ्रॉम किससे? अगार अगार किससे प्राप्त हो रही है, किससे ऑब्टेन की जा रही है अगार अगार? क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जिलेडियम। बताइए बेटा अगार अगार किससे मिल रही है अपने को? अगार अगार किससे मिल रही है, जल्दी बताओ फटाफट। देखिए क्लोरेला जो है वो है ग्रीन एल्गी, हरे सेवाल है, ग्रीन एल्गी हरे सेवाल है। यूलोथ्रिक्स जो है ये भी हरे सेवाल है, ये भी हरे सेवाल है। स्पाइरोगायरा ये भी हरे सेवाल है। जिलेडियम जो है ये है लाल सेवाल, लाल सेवाल, रेड एल्गी। और लाल सेवाल से अगार अगार मिलता है अपने को, ये देखिए ये लाल सेवाल, ये सेवाल है बेटा, ये पिक्चर जो दे रखी है ना ये सेवाल है, ये लाल सेवाल है। इससे क्या मिलता है हमें? इससे हमें एक रसायन मिलता है जिसको अपन अगार अगार कहते हैं, जिसका उपयोग आइसक्रीम को बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की संवर्धन माध्यम बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये सूक्ष्म जीव का संवर्धन माध्यम आपको जो दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है इसका अंदर, ये कलर किसकी वजह से है? अगार अगार की वजह से। अरे अगार अगार ऐसा होता है जैसे जेल होती है ना, जेल एलोवेरा की जो जेल है वो एलोवेरा की जेल की तरह से, ना तो हार्ड ना लिक्विड, मतलब ना तो सॉलिड ना लिक्विड, इन बिटवीन, तो उसी तरह से होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल। ठीक है, और न्यूट्रिशनली ये अगार जो है वो न्यूट्रिशनली पोषक रूप से नहीं होता है, पोषण पदार्थ इसमें नहीं होते हैं। तो अगार अगार जो है एक इसमें क्या है, पोषण पदार्थ नहीं है, पोषण नहीं होता इसमें, या पोषक पदार्थ नहीं होते इसमें। ठीक है, ये पोषक नहीं है, केवल ये एक माध्यम उपलब्ध कराता है जिस पर सूक्ष्म जीव वृद्धि कर सकते हैं। इसमें पोषण पदार्थ डालते हैं बाहर से, ठीक है, फिर ये इस तरह से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर इस पर किया जा सकता है, उसका संवर्धन इस पर किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात, अगार अगार। चलिए तो ऑप्शन क्या हो गया? जिलेडियम, जिलेडियम से अगार अगार मिलता है अपने को, रेड एल्गी है, याद रखना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम का और आईसीआर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतया क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइसी, देखिए क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? यहां पर आप देखिए ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है और ये ब्राउन एल्गी है। तो यहां पर आप देख रहे हो चारों एल्गी की पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, नील हरित शैवाल। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी,
ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बताइए जल्दी बताइए। कवर कर रहे हैं सेकंड ब्राउन एल्गी, फोर्थ, फोर्थ ज्यादा आ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी को। अर्जुन कह रहे हैं तीसरा, पिंकी कह रहे हैं तीसरा, बिल्कुल ऑप्शन है थर्ड ग्रीन एल्गी, हरे सेवाल कहते हैं बेटा, ठीक है, क्लोरोफाइसी यानी हरे सेवाल, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं अपन, यानी क्लोरोफाइसी शब्द जहां कहीं भी आएगा ना, क्लोरोफाइसी इसका मतलब है, क्लोरोफाइसी का मतलब है हरे सेवाल, क्लोरोफाइसी मतलब हरे सेवाल, ठीक है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब लाल सेवाल, रोडोफाइसी मतलब लाल सेवाल, ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, और फियोफाइसी, फियोफाइसी का मतलब होता है भूरे सेवाल, याद रखना ये, फियोफाइसी का मतलब होता है भूरे सेवाल। जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी का मतलब होता है पीले सेवाल, है ना, नीले पीले, और ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइरिनोइड्स बने होते हैं, पाइरिनोइड्स बने होते हैं प्रोटीन के आवरण से गिरा स्टार्च से बना केंद्रीय भाग, वसी आवरण से गिरा प्रोटीन से बना केंद्रीय भाग, प्रोटीन से बना केंद्र और स्टार्च से बना आवरण, प्रोटीन से गिरा न्यूक्लिक अम्ल से बना केंद्रीय भाग। पाइरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ ऑफ प्रोटीन, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीथ, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, पाइरिनोइड्स क्या होते हैं, देखिए समझिए बेटा बात को, पाइरिनोइड्स क्या होते हैं, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, क्लोरोफाइसी जैसे ये दे रखा है अपन ने, है ना, क्लेमाइडोमोनास का पिक्चर, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उन क्लोरोफाइसी के अंदर फूड जो है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। फूड किस रूप में संचित होते हैं, स्टार्च में, यानी संचित फूड किस में, क्लोरोफाइसी में, जो क्लोरोफाइसी है हरे सेवाल है ना, इन हरे सेवालों में भोजन जो है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में संचित होता है, भोजन स्टार्च के रूप में संचित, भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है क्लोरोफाइसी में, ठीक है। और अब ये स्टार्च के रूप में संचित तो होता है लेकिन होता किस रूप में है, पाइरिनोइड में। पाइरिनोइड में क्या होता है बेटा, ये देखिए, जैसे सेंटर वाला जो पोर्शन है पाइरिनोइड में क्या होता है, सेंटर वाला जो पोर्शन है ये होता है प्रोटीन, सेंटर का पोर्शन क्या होता है, ये होता है प्रोटीन, सेंटर में क्या है, प्रोटीन है, इस तरह से ये है प्रोटीन, और इस प्रोटीन के चारों ओर बाहर की तरफ क्या होता है, स्टार्च का प्लेट होती है, इस तरह से प्लेट होती है स्टार्च की, स्टार्च की प्लेट होती है इस तरह से, ये स्टार्च की प्लेट होती है, ठीक है। तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये तो हो गया प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, और ये बाहर वाला जो है ये है स्टार्च, स्टार्च शीथ कहते हैं, स्टार्च शीथ है ना। इस पूरी संरचना को अपन कहते हैं बेटा, इस संरचना को अपन कहते हैं पाइरिनोइड। ये संरचना क्या है, ये संरचना जो है वो है पाइरिनोइड, याद रखना है पाइरिनोइड है, ठीक है। अब बताओ आप ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहां पर जा रहा है थर्ड, प्रोटीन से बना केंद्र और स्टार्च से बना आवरण, ठीक है, प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ आवरण, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पाइरिनोइड, याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाइरिनोइड, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जनरली ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। सचिन हेलो, सबको बेटा मजा आ रहा है क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में मजा आ रहा है बेटा, अरे मजा आ रहा है,
मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं, पहली बार क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, पहली बार यूट्यूब के चैनल पर आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ की लेटेस्ट एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है, वो आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। ठीक है, हाँ, प्रोटीन ये सेंटर एंड स्टार्ची शीत, बिल्कुल सही है बेटा, प्रोटीन का सेंटर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आधार लग्न कटाव और प्रपरण किस पादप में बनते हैं? होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, किस में बनते हैं? वॉल्वॉक्स में, कारा में, लेमिनेरिया में, क्लेमाइडोमोना। तो एक बात तो याद रखनी है आपको कि ये होल्ड फास्ट, अब यहां पर देखिए आप स्ट्रक्चर पर आइए, इधर आइए, ये संरचना आप देख रहे हो। देखिए होल्ड फास्ट क्या है, होल्ड फास्ट वो संरचना है जिसके द्वारा सेवाल किसी सतह से जुड़ा हुआ रहता है, किसी सरफेस से, किसी सतह से, किसी पत्थर से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये होल्ड फास्ट है। इसके बाद तने की तरह से एक संरचना देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं स्टाइप, व्रंथ या स्टाइप, ठीक है। और इसके बाद में एक पर्ण की तरह से, पर्ण नहीं है याद रखिएगा, मैं पर्ण नहीं कह रहा हूं, पर्ण की तरह से कह रहा हूं, तो यहां पर पर्ण की तरह से एक संरचना देखने को मिल सकती है जिसे अपन कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड, ये संरचना किसमें देखने को मिलती है? ये संरचना देखने को मिलती है फियोफाइसी के सदस्यों में, याद रखना, भूरे शैवालों में, ठीक है। और सबसे बड़े शैवाल जो मिलते हैं वो भूरे शैवाल ही होते हैं, सबसे बड़े शैवाल जिनको केल्प कहते हैं, बड़े बड़े 100 मीटर 120 मीटर तक लंबे, तो भूरे शैवाल, सबसे बड़े शैवाल कौन से हैं? भूरे शैवाल हैं। और ये संरचना जो देखने को मिल रही है वो आपको भूरे शैवाल में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आइडिया मिल गया भूरे शैवाल। अब देखो वॉल्वॉक्स जो है वो है क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल है ये, क्लोरोफाइसी ये हरे शैवाल है। कारा जो है वो भी हरा शैवाल है, वॉल्वॉक्स भी हरा शैवाल है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास भी हरा शैवाल है, एक कोशिकीय है, ये याद रखना, एक कोशिकीय है ये, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है, ठीक है। लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, ये सारे के सारे कैसे हैं? फियोफाइसी के सदस्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन जाएगा, लेमिनेरिया, रोहित बिल्कुल सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ लेमिनेरिया। यहां देखिए, ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, मेरी पिक्चर नहीं है, ये देखिए मैंने बनाई भी नहीं या ली भी नहीं है, एनसीईआरटी की पिक्चर है। यहां देखिए ये है वॉल्वॉक्स, दिख रहा है आपको, ये वॉल्वॉक्स है। ये वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, कॉलोनी के रूप में, कॉलोनी फॉर्म में, ठीक है सारे। और अंदर जो है ये नई कॉलोनी है जिसे डॉटर कॉलोनी कहते हैं। जब डॉटर कॉलोनी मैच्योर होती है तो उसके बाद में ये जो पेरेंट कॉलोनी है ये हट जाती है और डॉटर कॉलोनी फिर एक नई कॉलोनी बना लेती है। इस तरह की स्ट्रक्चर चलती है। यहाँ पर एनसीईआरटी में फ्लेजिला नहीं बनाया है लेकिन इसमें फ्लेजिला मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वॉल्वॉक्स की जो मेंबर्स हैं इसमें फ्लेजिला मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये दूसरा पिक्चर जो आप देख रहे हो ये है क्लेमाइडोमोनास का, किसका है ये? क्लेमाइडो मोनास का पिक्चर है। ये यूनिसेलुलर है, फ्लेजिलेटेड है, ये भी फ्लेजिलेटेड है, यूनिसेलुलर है, लेकिन कॉलोनी में रहते हैं, ये सिंगली रहते हैं। तो और थर्ड ऑप्शन ये क्लोरोफाइसी का है। थर्ड जो है ये देखिए, ये एक पेड़ की तरह आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेम है और उसकी ब्रांचेस निकल रही हो, नहीं, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जो फ्रेश वाटर है, जो पॉन्ड वगैरह है ना, आप जो फ्रेश वाटर है, जो पॉन्ड है, उस पॉन्ड पर जो पत्थर वगैरह होते हैं ना किनारे पर, उस पत्थर के नीचे ये आपको मिल सकते हैं, है ना, तो चिपके हुए मिल सकते हैं, बड़ा कॉमन है इसको। ये है कारा, चारा नहीं है, इंग्लिश में सी एच ए आर ए लिखते हैं लेकिन है कारा, याद रखना, है ना, चारा मत बोलना इसको। तो ऑप्शन क्या हो गया? लेमिनेरिया हो गया। ये देखिए ये लेमिनेरिया पिक्चर, लेमिनेरिया की पिक्चर है, ठीक है। चलिए, अरे समझ आ रहा बेटा? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए
ये देखिए, ये है फियोफाइसी के मेंबर्स। क्या है ये? फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ये फियोफाइसी के मेंबर्स है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोएरिथ्रिन किसमें उपस्थित होता है? फाइकोएरिथ्रिन किसमें होता है? फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन पॉलीसाइफोनिया, लेमिनेरिया, कैल्प, क्लेमाइडोमोनास। किसमें होता है फाइकोएरिथ्रिन, जल्दी बताओ बच्चों, किसमें होता है? पॉलीसाइफोनिया, लेमिनेरिया, कैल्प और क्लेमाइडोमोनास, किसमें होता है? फाइकोएरिथ्रिन जो है, फाइकोएरिथ्रिन जो है वो मिलता है आपको रेड एल्गी में, लाल सेवाल में। किसमें मिलेगा ये? लाल सेवाल में फाइकोएरिथ्रिन। नीले सेवालों के अंदर फाइकोसाइनिन मिलता है। ठीक है, देखिए ये है लाल सेवाल, ये है लाल सेवाल, ये है भूरी सेवाल, ये है भूरी सेवाल और ये है हरी सेवाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन किस में उपस्थित होता है? पॉलीसाइफोनिया, लेमिनेरिया, कैल्प और क्लेमाइडोमोनास। तो यहां ऑप्शन क्या हो गया? पॉलीसाइफोनिया में, क्योंकि रेड एल्गी है। अर्जुन, पिंकी, बिल्कुल सही बेटा, है ना, पॉलीसाइफोनिया के अंदर, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है। ये देखिए पॉलीसाइफोनिया है, ये स्ट्रक्चर, ये ब्राउन एल्गी है बेटा, ये रेड नहीं है, ये ब्राउन है और ये जो है ये पॉलीसाइफोनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? अब आपको पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, है ना, कौन सा सही युग्म नहीं है? क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय कशापिकी है, लेमिनेरिया चपटा पत्ती समान थैलस, क्लोरेला एक कोशिकीय एकशापिकी है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एकशापिकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर फ्लेजिलेटेड, लेमिनेरिया फ्लैटेंड लीफ लाइक थैलस, क्लोरेला यूनिसेलुलर नॉन फ्लेजिलेटेड, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म नॉन फ्लेजिलेटेड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा सही युग्म नहीं है? देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर फ्लेजिलेटेड है, अभी स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है, इसका मतलब ये तो सही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए युग्म सही नहीं है, इस पर गोला कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेमिनेरिया जो है, बिल्कुल लेमिनेरिया जो है चपटी पत्ती समान थैलस, अभी देखा था अपन ने लेमिनेरिया की पिक्चर यहां पर, ठीक है, तो कैसी है, चपटी और पत्ती जैसी संरचना है, ठीक है। क्लोरेला जो है एक कोशिकीय एकशापिकी है, बिल्कुल ये देखिए ये क्लोरेला है एक कोशिकीय है और इनमें फ्लेजिला नहीं है, एकशापिकी है, बिल्कुल सही है। वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनियल है, ये कॉलोनियल और एकशापिकी है बेटा, एकशापिकी एक वॉल्वॉक्स जो है नॉन फ्लेजिलेटेड वॉल्वॉक्स जो है वो नहीं है, फ्लेजिलेटेड वॉल्वॉक्स है, नॉन फ्लेजिलेटेड नहीं है, ये फ्लेजिलेटेड है। ये देखिए आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्लेजिला नजर आएंगे इसके चारों, ये फ्लेजिलेटेड है, नॉन फ्लेजिलेटेड वॉल्वॉक्स
नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। पिंकी, रोहित, सचिन, अर्जुन, भानु, बिल्कुल सही है, भानु ने पहले सबसे पहले बताया है बेटा, है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद कल कुछ और एलजी के क्वेश्चंस को लेकर के अपन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है क्लास में, तो आप बेटा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये क्लास पहुँचे। और जो बच्चे नए हैं, आज ही इस क्लास को ज्वाइन किया है, वो बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना उन बच्चों को ये क्लास मिल सके।